सारी रात की मां बहन कर दी साले ने। जब भी घोड़ा खींचो साला रोने लगे जोर जोर से। ले लिया। अरे इतने नजदीक से गोली मारेंगे ना तो साली इंक्वायरी बैठ जाएगी ना। भागने को बोला तो घुटनों में घुस गया। बड़ा मुश्किल है डरे हुए का इनकाउंटर करना। अब रोते हुए को कैसे मारेगा कोई? हंसते हंसते आओ, हंसते हंसते जाओ। लेकिन था कौन सा जाने दो। 12 बज गए क्या? टाइम है। बताओ ना साहब, था कौन? नाटा। किसके भविष्य में उंगली डाल रहे हो पंडित जी? मुंबई साहब नाटा। अच्छा, ये मुंबई की जन्म पत्री है? क्या लगा है मुंबई के भविष्य में? सब नाटक। नाटक गया क्या? कब? कल। आज कोई और जाएगा। ए 12 बजे क्या? आप लोग अपने क्या आदमी? तू भी तो मुगल की औरत है चिकने। साले धंधा करना जानता नहीं है। चुप। धंधे का पहला उसूल याद है कि भूल गया? फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं करते। देख ऊपर देख, भाई को आया अब्बा जी के भाई को। तेरे को क्या लगा कि निया कंपनी की चिर जाएगी? 12:40 वो खत्म हो रहा है। सुबह तक तुम्हारी फैमिली फिनिश। दी एंड। सुन, छुपा मुगल बता दे बच जाएगा। मियाँ ने जबान दी है। सुन सुन रो मत सुन, पंडित की कोई भविष्यवाणी गलत नहीं होती। पूछ, मुंबई की पत्री पे किसका नाम लिखा है, अब्बा जी का या मुगल का? हाँ मियाँ आदाब। बिल्कुल वो कहता है वो आप ही को बताएगा। रे बात कर। हाँ मियाँ अस्सलाम वालेकुम। गुराई में बंगले पे बोरी वो बोरी वाली में अपने ससुराल में। मियाँ बाप गोरी बेटा बोरी वाली। मैं मुगल को लेता हूँ, तुम लोग बोटी के पास जाओ। मैं जाऊँगा मुगल के। अब जो कहाँ जा वो किया कर, समझा? ठीक है तो तू भी जा उसके साथ। मेरे सामने शर्म आएगी उसे गोली मारने में? ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ के साथ। बेटा नहीं बाप है वो। चल
अरे बस 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 पुरोहित साहब बस बस अरे अरे बस पी पी चिकने पी पी मौज का राज तेरा 15 अगस्त है नवंबर में 15 अगस्त कहाँ से आएगा साहब अरे मुगल के बिस्तर से आजाद हुआ है ना तू और वैसे लौंडेबाजी का शौक ना अब्बा जी को है और ना मियाँ को और ना हमें जो जीवे देख के मारा कर यार सारी मुंबई खून से भर दी बोल मुगल हमारे लोगों में से किसने गद्दारी की थी नाम बोल तूने हेलो हाँ रे आसिफ आज रामबा जी कहते छोटी के कमरे में है जीजू हाँ तो बुलाओ उन्हें क्या खबर है अबे तब से बोला ना बुलाओ अबे कहा ना छोटी को बुखार है जीजू जान ले लेगा कि दरवाजा खटखटाया अच्छा तो बोलना कि हम लोग पनवेल में हैं बाहर निकलने के साथ ही फार्म हाउस पहुँच गए रुक रुक मुगल गया क्या आ गया पर अपना बोटी और क्या मिलेगा मियां को 7.5 ही उतरी है तेरी आज से जो चाहे मिलेगा जो चाहेगा जैसे बॉलीवुड बॉलीवुड है अब्बा जी के साले का वो आसिफ आ जाएगा जीजू जीजू करते हुए अभी जीजू जीजू दशम स्थान में शुक्र बलवान है राजयोग कहते हैं इसे बॉलीवुड छोड़ 6 महीने में अब्बा जी की गद्दी मियां की है पंडित तेरे चौपड़ खाने में मुझे विश्वास होता ना तो आज मैं तेरी जबान काट डालता काट दो साला इसकी जबान से जो निकलता है वो सच होता है अभी अभी 6 महीने पहले बैठे बैठे ऐसे ही मुझसे बोला कि तेरी जो पड़ोसन है ना उससे जरा बच के रहना है एड्स में मरेगी हट्टी गट्टी भरी भरी साली 5 महीने में ऑफ हो गई एहसान मान तेरी जान बचाई साले मियाँ ये हफ्ता लेना भूल जाता था पर रोजाना चखनी नहीं भूलता था मियाँ
काली जबान है साले की, बता रहा हूं। अरे काम करो, छोड़ो उसको पंडित जी, आप कुछ मेरे बारे में बतलाओ। दर बढ़िया सा आराम से टाइम लेके। अरे हाँ कमाल है, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तो चुप है, मिसाल हंसने की क्या बात है? मिसाल मियाँ से कम नहीं उड़ाओगे आप, गिन लो आज के मिला के। तेरे बेटे की पत्री देखी, बहुत दम है साले में। वैसे मियाँ जी का जवाब है तेरा बेटा। हेलो, बोलो भी दिया करो। कौन? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वाह पंडित, तू क्यों से कह रहा था यार? और तेरे तो वाकई है बे। अरे कौन है बे? इनकी पड़ोसन बुलाऊं दीजिएगा। हाँ कौन? देव सर है? कौन देव सर है? थाने में फोन करो सुबह को। ले तू बात कर यार, इंग्लिश बोलता है। हेलो व्हाट देव सर है? Where you got number from? He told you call tomorrow. Dev sir, kya kar rahe hai? Kaun hai ye Dev sir? Tum logo ka naya ACB. काफी सुना है आप दोनों के बारे में। किसका हाथ है इसमें? पुलिस का नहीं है सर। क्राइम के वक्त आप दोनों कहाँ थे? ड्यूटी पर सर। तो ड्यूटी पर होते तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। फिर तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता सर। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। बिना कुछ किए बैठे बैठाए एक गैंग का सफाया हो गया सर। अब जो बच गया वो हमारे साथ है। मतलब हमारे अंडर है। एक गैंग को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। नाम क्या है? अब्बा जी। मैंने रिश्ता नहीं नाम पूछा है। जहांगीर खान लालजी भाई का दाहिना हाथ था। गोल्ड स्मगलिंग से शुरुआत की और लालजी भाई की मौत के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीनों के गैर कानूनी कब्जों को खाली कराने का धंधा। माइनॉरिटीज के खुदा हैं। जिस पार्टी के साथ अब्बा जी हाथ में ला ले वो कभी इलेक्शन नहीं हारती। कोई एफआईआर? जी हाँ, 12 साल पहले अरेस्ट करने की कोशिश की थी, पूरे शहर में फसाद हो गया। अल्लाह तौफीक दे। वालिद के साये का कोई सानी नहीं है मियाँ। किए की कीमत तो चुकाना ही पड़ती है। आपका पनागीर हूँ अब्बा जी। जख्म भरने में वक्त तो लगेगा मियाँ। आपके वालिद और हमारे भाई फना हुए हैं। हम तो आज तक बेखबर हैं कि भाई का खूनी था कौन, किसने की थी गद्दारी। हम में से कौन था? اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا انت هو الذي من قلنا ربنا
निकाह पे 9-1 साल का दहेज हुआ, मरते वक्त अमानत के तौर पे छोड़ गई थी तुझे रोशनी, और अमानत में खयानत नहीं होती। जीजू मैं तो वही चला जाऊंगा जीजू, एक ही रास्ता है और एक ही हो जाना है, गोली मारे में। नहीं जीजू, नहीं नहीं, गोली मारा से नहीं जीजू, वहां से गोली मारो जीजू, नहीं। अरे मिलते फन मारेगा बूटी बनाजी तो दी, पर अब्बा जी ये मेरा मतलब है। जहांगीर अपनी जबान से नहीं फिरता, मसला खत्म, बूटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कुछ फिल्म इंडस्ट्री का क्या होएगा, कौन देखेगा अभी? मकबूल भाई मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँगा फिल्म इंडस्ट्री। अबू का नाम संभालो बेटा, आसिफ ने बात काले पोती हुआ। लिम्मी भाभी भाई इस बिरयानी की रेसिपी जरूर लिख के दीजिए, हमें पेट भर गया, नियत नहीं भरी। नियाज के खाने की लज्जत ही अलग होती है। बस भी बस मर जाएंगे हम तो। सवैयों के लिए जगह रखिएगा आप लोग। बाबे भाई और कुछ नहीं। अंकल मैंने बनाई है। रुखसाना का रस है छोटी के हाथ में। अबू आजा भाई, छोटी नहीं समीरा के हाथ में, सबको खानी पड़ेगी और तारीफ भी करनी पड़ेगी। पानी कल तुझे प्यास नहीं लगती है? कोई देसरे है? पहली पोस्टिंग है उसकी। अब नया नया मुसलमान तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता ही। अब्बा जी साहब 3 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है 1 हफ्ते में। ये चिन्ना और ये दावड़े पनवेल और थाने में हमारा काम देखते। और मियां बॉलीवुड के क्या हाल हैं? आप हाल हमारे पूछिए। रजिया फंस गई है गुंडों में। घटिया फिल्में, घटिया लोग। तू अबू की लाइफ पर पिक्चर बनवा के देख, उतारे नहीं उतरेगी। कोई हीरोइन पसंद नहीं है? वो पहले से फिट है भाभी। अच्छा कौन है भाई जिसने पत्थर में पौधा उगा दिया? अबू जी वो बोटी किसी से मिलाने की बात कर रहा था। बात मत पलटो मियां, कौन है? तो कल बुलवा लूं उसे।
जहांगीर कल दरगाह जाना है हमें। अरे बीबा आप मन्नतें बहुत मांगती हैं भाई। पूरी तो एक भी नहीं होती। अरे होंगी भाभी सारी पूरी होंगी। अबू अगर इस साल ने भाभी की पिक्चर नहीं बनवाई ना तो सच बोलता हूँ ठीक नहीं होगा। और आप बोलो भाभी कौन डायरेक्टर चाहिए, करण जौहर, सुभाष घई या अपना ये क्या कहते हैं राम गोपाल वर्मा। नहीं वैसे अपना मणिरत्नम भी ले सकते हैं। रुको जरा, यहाँ से पैदल जाना है हमें नंगे पाँव। अंधेर खुदा का भी चाले बढ़ जाएंगे। वही दिखाने हैं उसे। अब हम क्या करें? आप चलिए ना गाड़ी में। अरे आपको अकेला छोड़ के क्या हुआ बज? अरे मियाँ ये इश्क बहुत बड़ी बीमारी है, पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में है, पूरी बित्ते भर की औरत नहीं संभलती हमसे। नंगे पांव जाएंगे दरगाह तक। आप चलिए मैं आ जाता हूँ बीके साथ। हाँ कौन हो तुम्हारी हीरोइन? बहुत खूबसूरत है। हमसे भी ज्यादा झूठ बोलता है वो तुम्हारा ज्योतिषी इंस्पेक्टर पंडित। अब्बा जी की जगह तुम कभी नहीं ले सकते। क्यों? डरपोक हो तुम। अच्छा हमारे इश्क में गल जाओगे लेकिन छूने की हिम्मत नहीं। गुड्डू लेगा उनकी जगह। गुड्डू गुड्डू बेटा ना हो तो दामाद ही वारिस होता है ना? दामाद गुड्डू समीरा। तुमको कैसे पता? बस पता है। अरे झूठ झूठ ना झूठ ना। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती थी हम पे निगाह डालने की, फिर भी तुम्हारी नियत मानती हूँ। बारह दिल हैं हमारे बदन में, कहाँ कहाँ हैं देखोगे? मर सकते हो तुम हमारे लिए और मार भी सकते हो झूठे। तू मेरे रूबरू
तू है, ये जमीन है मोहब्बत की, या मना है खता करना है, सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। इतनी इजाजत दे कदमों पे जबी रख दूं, इतनी इजाजत दे कदमों पे जबी रख दूं, ओ फिर सर ना उठे मेरा ये जां भी वहीं रख दूं। एक बार तो दीदार दे मेरे सामने रह के भी तू, ओ चल गया तू पोशीदा है मेरे हाल से खाबीदा है। बस इतनी इजाजत दे कदमों पे जब रख दूं, फिर सर ना उठे मेरा ये जान भी वही रख दूं। एक मासूम सी दिल की तजवीज है, इश्क में जान दे दे बड़ी चीज है। दीवाना बना अपना दीवानगी यूं भी है, पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे, जा सौंप दे जा बार दे, इस बार तो दीदार दे। कर तू नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये जिंदगी, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये बंदगी, ये बंदगी, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं ये बंदगी, दीवाना बना अपना दीवानगी यूं भी है, पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। सलाम है बाजी। बाजी आप आज शहर वापस मत जाइए। क्यों? वो मंत्री जी ने कहा है कि दो दिन में वो सारा केस सुलटा देंगे। कौन सा केस? देवसरे ने अब्बा जी के नाम का वारंट निकाल दिया। अब ये कोई उम्र है हमारी भाग नहीं तोड़ने की। चलो Thank you.
किससे लगवाया था गाड़ी? पीजी देव सर। जहांगीर खान आपका नाम है? ये कल सुबह आना, जमानत तैयार मिलेगी। जहांगीर खान आपका नाम है? अब्बा जी बोल बे, तेरे जैसे 36 वर्दी वाले फलते हैं हमारे यहाँ पर। जहांगीर खान आपका नाम है? अरे कितना चाहिए, घर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो। ए, मिया। नहीं मिया। चौहान दादा, बैठिए। आप जा सकते हैं। ट्रांसफर कहाँ हुआ? अब याद बहुत आएंगे भैया। अरे वो गया यहां से, अब नहीं आएगा वापस। फिर क्यों उड़ाएगा उसका भेजा? ठीक है, उसका दिल उड़ाऊंगा। चलेगा। देख न्यू, देख कोई नया राड़ा शुरू नहीं करने का अपन को। हाँ अब भोसले कभी हामी नहीं देगा उसको लाने की, तो फिर मेरा लाफा खाएगा बीच बाजार में। खाओ भोसले, पूछ उससे।
अब्बा जी नमस्ते, ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। अब्बा जी इस बार दाल कुछ नहीं पका हवेली, भोसले बड़ा जलाता है उंगलियां चाट चाट के। मीठी ईद है बाले गर्मियां, बकरीद भी आइएगा गोश्त के लाए। सुपारी कैसी लेंगे, सूखी या गीली? जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। पुराना माने तो एक बात कहूं, आप जेल गए अच्छा नहीं लगा। भोसले चाहता तो रोक सकता था, अबा जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। 6 दिन में सरकार गिरा सकता हूं, भोसले नंगा नाचेगा विधानसभा में नंगा। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती है। लाल रंग फपता है तेरे कुर्ते पे। मेरे महबूबी के घर रंग है। नहीं गुस्सा नहीं होने का, अपन मैडम से बात करेगा ना। 2 दिन के लिए 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, अब तो एसोसिएशन में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। डार्लिंग धमकी नहीं, नो थ्रेट। हाँ और क्या हाल है, मुंह लटका हुआ है हैं? यार हमें भी बना दो हीरो। जहांगीर साहब से कहिएगा कि हम पैसे नहीं देंगे। आप गोली मारना चाहते हैं? तुम्हारी रियाज ने बताया कि आप उसके वालिद की तरह हैं। डील 30 करोड़ में तय हुई थी मुगल से, सामान इंटरनेशनल वाटर्स की हद तक हमें लाना है, फिर हिंदुस्तान के समंदर से बम्बई तक लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, दिल्ली कश्मीर या यहाँ पर? कहीं भी हो मगर पैसा आपके घर पहुंचेगा पूरा, और वो भी काम से पहले। सॉरी, आप धंधा करने आए हैं खुदकुशी? मतलब गड़बड़ हम करेंगे तो भी नुकसान आपका? बेटा हर इंसान का मकसद फायदा नहीं होता, हमें अब्बा जी की दोस्ती दरकार है। शायद हम आपकी
दोस्ती के लायक नहीं है प्रोफेसर साहब। नहीं अब्बा जी, आप नहीं, नहीं, नहीं। हमारी काबिलियत, हमारा कारोबार और हमारे पैर जमीन पर हैं, तैरना भी नहीं जानते, तो दरिया से दूर भले। आप चाहें तो दुनिया के हर मुल्क में आपका कारोबार फैल सकता है। मुंबई हमारी महबूबा है मियां, इसे छोड़कर हम कराची या दुबई में नहीं बस सकते। अबू 30 करोड़ रुपए, और वो भी काम के पहले। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जिस इंसान का मकसद सिर्फ नुकसान हो, उससे किसी को फायदा नहीं हो सकता, याद रखना। भगना मुदना सीखा नहीं, धंधा सिखाता है। आपके बीच में बोला तो जबर कर तुम अच्छा है। तेरी माँ का आँख फोड़ने पाया नहीं। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी संडास से पेट साफ नहीं होता मेरा। मेरा बाथरूम मेरे को देसी चाहिए, छोड़ा के बैठने वाला। मियाँ आजा। देख मॉरीशस का रिसॉर्ट हूँ, देख कितना ब्यूटीफुल है। नहीं क्या हमारे मियाँ का कमरा कहाँ है इसमें? ये देख तेरे को कोने में ठहराएंगे साले। कब बज रहे हैं? सो रहे हैं। ये तो पार्किंग जो है। अबे कहाँ सो रहे हैं? अरे अभी इस टाइम ठीक है भाभी के साथ। अब नींद और भूख का कोई टाइम थोड़ी होता है मियाँ, की होता है। गालियां ज्यादा खड़ी कर दी हैं। बीवा सुधारी गीली नहीं है। अब ये हमारे आका हैं, इनकी मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। बोल बीवा कैसा लगा ये? अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। वाओ अबू, दिस इज अमेजिंग। मेरा कमरा कौन सा होगा? ये मेरे पास वाला। अबू मैं इसके बगल के कमरे में नहीं रहने वाली, भूख से तो मर जाऊंगी। छी। जी जी, ये कुछ सोचा? कौन चलाएगा इसे? किसे भेजना है मॉरिशस? गुड्डू। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। गुड्डू मॉरिशस जाएगा। गुड्डू क्यों भाई? गुड्डू जाएगा। अबे गुड्डू क्यों भाई, तू क्यों नहीं जाता? गुड्डू जाएगा। तेरी माँ का एक लौंडा है मेरा, और कहीं नहीं जाएगा वो। अब्बा जी गुड्डू मॉरिशस जाएगा। क्यों यहाँ?
गुड्डू को क्यों भेजा है मॉरिशियस? छोटी को गोद में खिलाया मैंने, ये मेरी भी कुछ लगती है। मतलब क्या बेटा? पूछ अपने चांद के टुकड़े से पूछ। क्या बोल रहा है? तो जाना पड़ेगा, मेरी छोटी का घर इस कीचड़ में तो नहीं बस सकता। लड़की वाले तो हम हैं समझिए, हम तो कभी माफ नहीं करेंगे आपको। ये क्या शक्ल बना दी है आपने हमारे दामाद जी की? अरे हमारे खानदान का वारिस है ये, अब है ना? अगर अब्बू को तेरे इसकी खबर कहीं और से लगती ना तो हम दोनों गए थे आज। अच्छा था तो वो भी यही था साले कुत्ते। साले एहसान मान मियाँ का, अगर तू आज जिंदा है ना तो सिर्फ उसी की बदौलत। तू भी कितना भोला है रे बाबा, सांप और सपेरे में फर्क नहीं दिखता ना। उस हरामी के हलक से ना निवाला नहीं उतर रहा होगा आज। असलम गोलियां खाई हैं हम दोनों ने एक दूसरे के लिए। समीरा बहन बेटी है उसकी, अगर तेरी जगह कोई और होता ना साले तब तक तेरी तेरवी निपट चुकी होती। चाचा अभी पीले वाले रहन दो, लाल लगाओ लाल।
लगता है सारे मुंबई के बाग नोच डाले आपने। तीखा है, कल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, भरोसा रखिए। जान, वालेकुम सलाम। देखिए ना जान, कोई तैयारी नहीं हुई है यहाँ। जी, ये मियाँ है ना आपका, बातों का सौदागर है बस। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ना फूल वालों का पता है, ना खाने वालों का पता है। अरे खानदान की पहली मंगनी है जाएंगे। नहीं हम हैं ना जान। अरे हम रुक जाएंगे यहीं रात को। जी जी। अच्छा सुनिए, कल ना दर्जी से हमारा शरारा जरूर लेते आइएगा। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज़ जान। क्लॉक काट दूंगा तेरा। अभी नहीं, रात को। बोलो, वापस दो मेरी जान। सच में मार देंगे मेरी जान। बोलो मेरी जान। एहसान कर रहे हो, प्यार से बोलो ना मेरी जान। मेरी जान। एक और बार मेरी जान। जान मेरी। जान मेरी। मेरी जान। मेरी जान। ठीक है ठीक है मेरी जान। तू लखनऊ वापस क्यों नहीं जाती रखेल कहीं की? तुम साथ चलो तो लखनऊ क्या, अल्लाह मियां के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ।
क्या मांगा था हमें? यही कि हर दिन इस रात सभी थे। अब्बा जी के जीते जी नहीं हो सकता। और अब्बा जी के बाद चलो मंगनी की रसम से पहले तुम समीरा का मुंह भी नहीं देख सकते समझे? अरे अरे, अरे मकबूल कहाँ है? सबसे बिरयानी पका है। अरे इतना ही और काट मिले इतने से क्या होगा? और उसको काट के अच्छी तरह से पीसना। वो देखो धनिया कैसे, अरे रुक रुक, अरे कैसे काट रहा है, कैसे काट रहा है उसको, बारी बारी काट बेटा इसको, और थोड़ा सा लेके उसको सिर्फ पत्तियां पत्तियां अलग करना। अरे हटो चाचा, प्याज लग गई। अरे मेरा लगता जगर, इधर आ। अरे बेटा देखना चलना चाहिए। कितनी मोहब्बत से पका रहा है यार, जी करता है अपना गोश्त पकवा दूं तेरी बिरयानी। ये ले तेरा लाइसेंस जी। अब तो नहीं लगाएगा ना नो पार्किंग में गाड़ी? कमिश्नर साहब और गोपी
अब्बा जी रोलेक्स। इस घड़ी के साथ ही बोटी का बुरा वक्त भी खत्म। प्यारी समीरा को एक 3-bedroom हॉल विथ लॉट ऑफ लव अंकल भोसले। अरे अंकल भोसले। 50 साल निशा को बोतल में बंद रखो। पूंछ सीधी नहीं होती। गिफ्ट भी सरकारी। और पंडित जी और खत्म हो भाई। अच्छा आप दोनों खाली याद आ गए। आप दोनों शुभ समाचार लाया ना? वो देवसरे को काले पानी की सजा हो गई है। वो कस्टम में डाल दिया गया उसे। अब वो आपको याद है आपके शादी में रेड हो गई थी। जेरे से लेके जांगिया तो उतार लिया था सालों ने। क्या नाम क्या था उसका कमिश्नर का? देशपांडे। और लालजी भाई ने अपने हाथ से भेजा था उसे रामजादे का। अबू राज लालजी भाई जिंदा होते है तो कितने खुश होते। नहीं बच्चों को आवाज देख के याद मत दिला काका। अनाथ लगता है हमें उनके बिना। तुम लोग सालों किसी के सगे नहीं हो। वो इसी भी मोरिया सगे भाई से ज्यादा मानते थे उसे लालजी भाई। जाती भर डाली हराए ने गोली को जोड़ के। अबू नहीं अबू 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 नहीं आज आज नहीं अबू आज खुशी का मौका अबू आज नहीं आज नहीं। आंसू पोछिए। मोहिनी जी आई। देसी विदेशी में ढूंढे
जब देखूं वो संगी है। बच गए दिलीप कुमार। कौन दिलीप कुमार? अंडरवर्ल्ड में ना होते तो फिल्म स्टार होते। क्या एक्टर है अब्बा जी। कमरे में तीन लोग थे, लालजी भाई, एसीपी मौर्य और अब्बा जी। बचे सिर्फ ये। बेवफा कौन? पुलिस। कुत्ती कौन? पुलिस। नाम ढूंढो अपना। नाचती बहुत अच्छा हो। क्या करें, खुशी में पैर ही नहीं रुकते हमारे। नाचना तो तुम्हें भी चाहिए, सासू माँ बनने वाले हैं। आओ ना चाय तुम्हें। आओ। चिकने चिकने भी कुर्बानी कर दो। जहांगीर को उसकी नई विवाह मिल गई। किस मुझसे घर जाएंगे वापस? सबको मालूम है जहांगीर की रखेल है। नंगा कितना घिनौना लगता है। हमारी बाप की उम्र का होगा कम से कम। घर में मैं बच्चों की तरह पला हूँ, सुनी? घर में तो कुत्ते भी पले जाते हैं मियाँ। गुड्डू के पीछे जीभ लटक गए, यूं पूंछ हिलाते नहीं देख सकते हम तुम्हें। किसी एक को मानना होगा तुम्हें। हम बादल क्या, बादल की जात भी नहीं है। बारिश होगी जून में। बारिश होगी शादी में। शादी क्यों? प्रॉब्लम है? लड़की मंगली है, बहुत लाशों पे से विदा होकर जाएगी।
हाँ तो क्या फरमा रही थी आप? अरे मकबूल का घर है मियाँ, माँ के पेट की तरह महफूज। दूध दूध पी जाके 25 साल से मेरे साथ है, आज मैं जिंदा हूँ तो इसी की बदौलत। आई डोंट बिलीव दैट। ए उस्मान, इधर कमीज उतार। ओह स्ट्रिप्टीज। ए शर्माने का नहीं, उधर उधर। ए पलट पलट, ये देखो ये भाई वाला में 6, सामने देख ये 4 कांदला में, और वो उधर वाले 3 कोल्हापुर में। एक भी गोली छू नहीं पाई है आज तक। कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी। पियो। बोतल उठा उस्मान, उस्मान बोतल उठा, उस्मान। कैसी अजीब रात है सुसमी, ये बारिश, ये मौसम। 70 साल में पहली बार। चल चल चल। क्या अल्लाह क्या मर्जी है तुम्हारी? तय किया तुमने? शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। रेडी रेडी। चलो रमजू, अहमद, अहमद, ये खून साफ क्यों नहीं किया अभी तक? साफ तो है बाबा।
ठीक है जाओ। का वापस जा। सुमत सुमत तेरे से बोला वापस जा। वापस जा साले।
भाइयों के बीच में कोई आएगा नहीं। काका, ओए काके, क्या मिलेगा तुझे अबू की जगह लेकर साले? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ काका, क्या मिला मुझे? 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई गले काटे, ये दिन देखने के लिए। तू भी ये सोचता है कि अब्बा जी को पता नहीं अब बोल, बताया क्या? बोल, बताया देख कके, इधर देख। या तो गोली मार या कले आके मिल। बहुत हो गया रोना धोना, सामान बांधो, जाने की तैयारी करो। गुड्डू आ रहा है कल न्यास पे। श्री भवदाज्ञ श्रीमद नारायण प्रीत्यर्थम विजय वीर आयुर आरोग्य इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री महाविष्णुअर्चनम करिष्ये। ये क्या है सोचो, शक्ति पावर। और ये क्या है? भिखारी का कटोरा। अन्ना, टाइम साथ मिलकर रहने का। 40 दिन हो गए, अब तक नहीं पता चला कौन था भाई। कमरे में 3 लोग थे, अब्बा जी, उस्मान और खैर कल नियाज है। जो मकबूल को कबूल नहीं करेगा वो कातिल। सुना है निम्मी और मियां साथ सोते हैं। भाऊ, साथ सोते हैं या साथ जागते हैं, इसका धंधे से क्या संबंध? धंधे के हसूल से तो अब्बा जी की हर चीज अब मियां की है, चाहे बेटी हो चाहे रखेल। मिया, सपोले को दूध मत पिला मिया, दांत निकलते ही तुझे डसेगा सबसे पहले। न्यास की तैयारी हुई? गुड्डू इस घर में हमारी लाश पे से चल के आएगा शाम को। शाम होने तो दे निम्मा। आयतें याद है तुम्हें? क्यों, पहले कभी देखा नहीं नमाज में? बहुत मासूम लगते हो। मैं कोई जोर जबरदस्ती सी जगह नहीं ले रहा हूं।
किसी को कुछ बोलना है तो बोले, अभी बोले। काका और गुड्डू नहीं आए हैं अभी। तू अपनी बोल। देख मियां, तुझ में हम सबको विश्वास है, हम सबको। इसी दिन की ताक में बैठा है पालेकर। एक फूट पड़ी नहीं कि सरकार गिर जाएगी, और मिलके रहे तो जय महाराष्ट्र। ठंड रख बाबा, तेरी वजह से चल रहा हूँ, समझा? जा मत्था टेका मंदिर में। और सुन, कुछ बुद्धि भी मांग लिया अपने लिए? काका को ज्यादा ही मांग रहे हैं भगवान से। الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کیجئے يا الله پاک جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کا ثواب جہانگیر خان صاحب کی روح کو پہنچے. اللہ تعالی अब्बा जी की रूह को सुकून पहुँचाए और उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। रहमतुल्लाह या रहमतुल्लाह या रहमान रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना मिया, काली के मंदिर पे माता के सामने जिंदा था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते भर बुदबुदाता रहा, हवेली पे चल, हवेली पे चल। कौन था? कौन था, कौन होगा? हरामी जाना था साले ने। अरे काकी, गुड्डू, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कुतरा को। मर चुका है काका। मिया,
कुत्ता साला अपने बाप को उड़ाएगा कोई? हाँ अरे काय को अपना खून मत फूंक बोटी, अंदर अंदर सबको मालूम है, लेकिन जब तक भोसले उसके साथ है कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं हिजड़ा बनके उसके दरबार में नहीं नाचूंगा, समझा? मेरे बाप को मारा है उसने। इतना ज्यादा याद मत किया कर बाप को, वरना वक्त से पहले पहुंच जाएगा उसके पास। गुड्डू कहाँ है? बोल, बता दे बता दे, कहाँ है गुड्डू? नहीं पता है? मुझे नहीं पता। सच? सच, मुझे नहीं पता। अब्दुल चाचा के यहाँ मेमण मोहल्ला में। ए गाड़ी रोको, चलो तेरे नीचे चल, आजा उधर उधर चल चल भाग भाग चल भाग 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 अरे भाग भाग भगवाना भाग भगवाना गोली चला 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 ये छोड़ क्यों दिया? शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। इस बार महीना होगा तुम्हारा। मियां आपका गुरु कर्क राशि में आ गया, अब आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। गुड्डू उसको ढूंढ के निकालो जल्दी। मियां मुबारक हो, बाप बनने आ रहा तुम। मुबारक हो मियां। तीन महीने का है, तुम आखिरी बार जहांगीर के साथ कब सोई थी? तुम्हारा है मियां, जानते मियां तुम कहो तो गिरा देते हैं इसे। याद आ रही है गुड्डू की, अब्बा जी को मारा है उसने हमारे अब्बा को। मैं जबान देता हूं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं तेरे लिए उससे अच्छा लड़का लूंगा।
अबे शुक्र मत खा, मंगल ले। अबे क्या कर रहे है? ये शनि है। अरे तो फिर कौन सा? ये मंगल। अगर ये शनि मैं खा लेता क्या हो जाता? आदमी शनि को नहीं, शनि आदमी को खाता है। और इन दिनों बहुत भूखा है। किसे खाएगा? किसे खिलाना है? सब ये नासिर का ढाबा कहाँ है? मियाँ कबाब खाने आए हो तो अब्दुल के ढाबे पे खाओ, दुआएं दोगे हमें। चलो। संतुलन बन रहा है। ठीक ना हो तो कबाब कैसे बनोगे? हाँ, और तुम तो ये भी जानते हो उस घर में गोश्त कहाँ से आता है, बकरे कहाँ कटते हैं। चाचा बहुत बढ़िया है, और एक प्लेट और चटनी ज़्यादा, कांदा कम, बस एक मकबूल है जो गेम पलटा सकता है। सिर्फ छः दिन में सरकार गिर जाएगी। नंगा नाचेगा भोसले विधानसभा में, नंगा। हमें क्या मिलेगा? मांगने तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तुम मकबूल की तंगड़ी काटो, मैं मुंडी पे लगता हूँ। रांड के चक्कर में सबको मरवाएगा साला। क्या हुआ? नहीं सोने देता हमें। कौन ये? खबरदार, हैरान करता है तू हमारी जान को। चलो सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह एकदम। नहीं 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 सोएगा ये, हमेशा रोता रहता है रोता रहता है। तुझे सुनाई देता है पगली? दिन रात हमें इसका रोना सुनाई देता है। इसके बाप को मारा है ना हमने। इसका बाप जिंदा है अभी। जा मेरा है, समझे? महाराष्ट्र सरकार फिर खतरे में। विपक्षी नेता गणेश पालेकर पर 15 विधायकों को अगवा करने का आरोप।
गृह मंत्री ने जारी किए सीबीआई जांच के आदेश। अरे नहीं भाई नहीं, देखिए देश की सेवा करते करते थक जाते हैं, ये भी तो इंसान ही है ना, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाया गया है, आराम करने आए हैं, हॉलीडे। वो देखिए कितना उल्लासित है। तीस करोड़? हाँ 30 खोखा। अगर सरकार बचानी है तो पालेकर का डबल देना पड़ेगा। चिन्ना तावड़े ऑफ हो गए, अभी फैमिली को दोबारा बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना बाबू। और अगर पालेकर पावर में आया ना तो सबसे पहले तू अंदर जाएगा, तू समझा? अभी 3 दिन में कहां से आएगा 30 करोड़? अपनी निम्मा से जाके पूछ। आओ। ये तेवर वहां देखा जहां जरूरत है, समझा? मकबूल की बाम्बी में किसने हाथ डाला है? अरे मियां मैं वही पूछ रहा था, इससे ऐसा लगा ये कुछ उगलता ही नहीं है। मैं क्या कौन था मियां? देखो मुझे नहीं मालूम, मैं माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, इससे साला कुछ उगलता ही नहीं है। अब बोल बे, अरे बोल ना साले, तुझसे कहा था ना मैंने मियां मेरी जान ले लेगा। कौन था? मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, इससे साला कुछ बोलता ही नहीं है। पूछने तो तुम्हारे सामने पूछता हूँ, मैं तुम्हारे सामने पूछता हूँ। कौन था? मिया जल्दी पता चल जाएगा। गुड्डू और बोटिया बच्चे नहीं रहे मियां, सारा दोष राहु और चंद्रमा का है। नहीं अब्बा जी का है, खुद तो चले गए और बोटी को छोड़ गए हमारे मियां की कब्र खोदने के लिए। पिछले 2 महीने में साले चंदा मामा ने स्थिति बदल ली है, 3 दिन बाद ग्रहण है, बस ये ठल जाए। 30 खोखा चाहिए मुझे तेरे इस ग्रहण से पहले। कितना? अस्सी साल पहले पड़ा था ऐसा ग्रहण, बड़े बड़े डूब गए। मैं डूबूंगा के बचूंगा? बचोगे मियां, बचोगे? डूब कैसे सकते हो? पुलिस तुम्हारे साथ है, भोसले तुम्हारे पीछे। रे गुड्डू और बोटी, सुबह तक दोनों की लाश तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी, नहीं तो बोध ही कटवा दूंगा साली। ओए, मैं डूबूंगा के बचूंगा? अब दरिया खुद चल के तेरे घर आएगा मियां, तो तू डूबेगा, 100% डूबेगा। दरिया चल के आएगा, पैदल आएगा कि गाड़ी में? क्यों, अब वो हवाई जहाज से भी आ सकता है। दरिया घर पे आएगा, दरवाजे पे घंटी बजाएगा, डिंग डोंग, हेलो मियां जी घर पे हैं? कौन? मैं हूं जी दरिया, डुबोने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं। दरिया आएगा, डुबोने आएगा, इससे पहले कि दरिया तेरे घर में घुस जाए दरिया के घर में घुस जा।
गुड्डू तू कहाँ चला गया था मुझे? हमारी याद ही नहीं है तुझे, बिटिया आधी हो गई। चल बेटा चल अंदर, चल 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 अंदर, चल ना चल ना, चल बेटा अंदर चल। से मां के लाने के लायक है नहीं तू बंड। अगले एक हफ्ते तक यहां का पेट्रोल मेरे कमांड में है। कांडला से 30 नॉटिकल माइल नॉर्थ की तरफ। वैसे डिलीवरी पर अब जरूरत आपकी है। दरिया में कारोबार करने आए हैं, पहले तैर के दिखाइए। चालीस घंटे तक खतरा है। इट्स अ मिरेकल सर, वरना जिस हालत में इन्हें यहाँ लाया गया था। इस टाइम अलाउ नहीं है। मिया, मिया, मोटी। बोर्ड पर बोर्डिंग। ये भारतीय कस्टम्स है, नाव रोके और तलाशी दे।
दिस इज इंडियन कस्टम सरेंडर एंड स्टॉप द बोट फॉर बोर्डिंग ये भारतीय कस्टम है नाव रोके और तलाशी दे को जिंदा रखना वापस लेने आऊंगा इसे लेकिन ये मर जाएंगी ऐसा क्या हो गया है दरिया घुसा है मेरे घर में वन टू थ्री हाँ बोल मिया नाव डूब गई भाव सरकार भी ए चीटिंग नहीं पीछे चल कस्टम मेरे पीछे है भाव तो भाग तो दोस्त है भाव दोस्त है यार हाँ अब्बा जी का तेरे साथ है मियां आज रात का ये ग्रहण टल जाए बस अबे काहे छोड़ दिया उसे शक्ति का संतुलन आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए कब से साफ नहीं किया ये सब खून जम गया है दीवारों पे मियां कैसे छूटेगा अब कहाँ वहां दिखता नहीं तुम्हें नींद कैसे आएगी रात
पागल है ना। जैन सर, गुड मॉर्निंग सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Get out from here. सर, ये हमारा एरिया है सर। I said shut up and get lost from here. I said move. Come on, quick. Fast. जरा जल्दी आना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। संभल के मियां।
जी